सरहद पार्टी ना गांव में आपका स्वागत समारोह किया जा रहा है, क्या? मैं बरडीहा गांव में मैं व्यक्तिगत तौर पे विद्यार्थी जीवन से जब छात्र राजनीति करता रहा हूँ तब से इस गांव के एक एक व्यक्ति से मेरा संबंध रहा है और मुझे नहीं लगता है कि मैं निश्चित रूप से मेरा पैदाइश पूरब पट्टी में हुई है, लेकिन बरडीहा गांव में जब मैं आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इसी गांव में पैदा हुआ हूँ, इसी गांव में बढ़ा हूँ। तो निश्चित रूप नमस्कार, सुपरफास्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। बरडीहा गांव में गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय का हुआ भव्य स्वागत। जी हाँ, जनपद आजमगढ़ अंतर्गत सगड़ी तहसील क्षेत्र के बरडीहा गांव में आज गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर सहजानंद राय का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में सैकड़ों युवाओं ने लालघाट रौना पार्क मार्ग बैदौली मोड़ से बरडीहा गाँव तक 3-4 किलोमीटर तक बग्घे घोड़े गाजे बाजे के साथ बाइक रैली निकाली। वहीं पूरा युवा वर्ग स्वागत में उमड़ पड़ा। स्वागत समारोह में क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी लोग उत्साहित हो उठे। स्वागत समारोह की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरैया और संचालन जिला महामंत्री नागेंद्र सिंह पटेल ने किया। आयोजक आशीष सिंह समाजसेवी पुष्पगुच्छ उत्तरीय टोपी और फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। मुख्य अतिथि सहजानंद राय ने कहा कि यहाँ की जनता से काफ़ी लगाव रहा है। भारतीय जनता पार्टी जनहित समाज में काम कर रही है, महिलाओं को सम्मान व स्वाभिमान मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते जनाधार को देखते हुए विरोधी दल बेसुध हो गए हैं। शिक्षा स्वास्थ्य चिकित्सा सड़क विकास का कार्य जोरों पर है और काफ़ी परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे किसानों को उनकी क्षति का मूल्यांकन कराकर उचित मुआवजा दिलाया जाएगा, इसमें किसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से बात कर जल्द ही निदान कराया जाएगा। मंच पर मुख्य अतिथि सहजानंद राय के साथ जयप्रकाश निषाद, पूर्व सांसद वैभव चतुर्वेदी गोरखपुर, ऋषिकांत राय बीजेपी अध्यक्ष, मनीष मिश्रा, दुर्गविजय राय, ब्रजेश राय, ब्रजेश सिंह, राधेश्याम, आशीष राय प्रमुख, सूरज श्रीवास्तव, अजय सिंह, अंजना सिंह, छोटेलाल निषाद, उमेश यादव, धर्मेंद्र यादव, परमानंद वर्मा, कैलाश राय, पलटन यादव, उपेंद्र राय, अभिमन्यु राय, संतोष सिंह, सुनील मिश्रा, रामश्रय जगत नारायण, रामाकांत मिश्रा, जगन्नाथ, सुधीर राय आदि लोग उपस्थित रहे। मैं बरडीहा गांव में मैं व्यक्तिगत तौर पे विद्यार्थी जीवन से जब छात्र राजनीति करता रहा हूँ तब से इस गांव के एक एक व्यक्ति से मेरा संबंध रहा है और मुझे नहीं लगता है कि मैं निश्चित रूप से मेरा पैदाइश पूरब पट्टी में हुई है, लेकिन बरडीहा गांव में जब मैं आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इसी गांव में पैदा हुआ हूँ, इसी गांव में बढ़ा हूँ। तो निश्चित रूप से मैं इस गांव के एक एक व्यक्ति के प्रति आभारी हूँ और जब इस गांव में आता हूँ तो बूढ़े बुजुर्ग नौजवान और व्यक्तिगत तौर पर सबसे मेरे अपने संबंध हैं। इसलिए आज के अवसर पर और ये स्वाभाविक तौर पर कि व्यक्ति जब कहीं कोई कुछ होता है तो निश्चित रूप से अपने गाँव अपने लोगों के बीच में जाता है और हमारी मान्यता भी रही है कि व्यक्ति के यहाँ जब कोई उत्सव होता है तो अपने गांव के बूढ़े बुजुर्गों के आशीर्वाद प्राप्त करने जाता है। मैं इतने लंबे समय बाद मार्च में मैं भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र का अध्यक्ष बना था, लेकिन व्यक्तिगत व्यस्तता होने के कारण उस समय नगर निकाय का चुनाव था, आगे और कार्यक्रम थे, जिसके कारण अपने इस गाँव में जहाँ मुझे सदैव स्नेह प्रेम आशीर्वाद इन लोगों का सहयोग मिलता रहा है मैं यहाँ आ नहीं पाया था और आज मैं इस गांव में व्यक्तिगत तौर पे अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने जो नौजवान साथी सदैव मेरे साथ हमेशा संघर्ष करते हैं और मेरे लिए हमेशा लगे रहते हैं ऐसे अपने नौजवान साथियों के प्रति आभार प्रकट करने आया हूं। मैं एक बार पुनः आप सबके माध्यम से मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय जेपी नड्डा जी का और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं और विशेष तौर पे मैं आज बरडीहा गांव में ही मेरा स्वागत है, लेकिन इस गांव में स्वागत समारोह में आए हुए इस सगड़ी विधानसभा के एक एक हमारे साथ सबका स्नेह संबंध और संपर्क रहा है, जो लोग भी आए मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ और विशेष तौर से इस गाँव में स्वागत के माध्यम से मैं आजमगढ़ जनपद के एक एक नागरिक एक एक पदाधिकारी के प्रति आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि लंबे समय तक पार्टी और संगठन में यहां काम करने के नाते
इन्हीं सब कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद की बदौलत आज मैं भारतीय जनता पार्टी के स्थान पे। चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो चुनाव हो रहा है इसमें प्रत्याशी कम, अखिलेश बनाम ओम प्रकाश राजभर ज़्यादा देखा जा रहा है। देखिए, ये दो राजनीतिक दल वहाँ दो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कहीं हमें 2022 के चुनाव में इन्हीं कारणों से हमें पराजय मिली थी, लेकिन आगामी ये उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक मत, मैं उसका आकलन करके बता रहा हूँ, 50,000 मतों से विजय प्राप्त करेगी। अभी 20 तारीख से लगातार क्षेत्रीय अध्यक्ष होने के नाते उस पूरे विधानसभा के चुनाव का संचालन मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से एक एक गाँव, एक एक मजरे और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को जानता हूँ। निश्चित रूप से अभी जो उत्साह है लोगों में, जो उमंग है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में 50,000 वोट से कम से वोट जीतेगी नहीं। एक बात और कहना चाहूँगा, लोगों को ये लगता है कि ये चुनाव सुधाकर सिंह और दारा सिंह के बीच का चुनाव, ये चुनाव जो घोसी का चुनाव, ये वैचारिक रूप से चुनाव है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक रूप से लड़ रही, वहीं समाजवादी पार्टी वो अपनी खोई हुई ताकत को प्राप्त करने के लिए चुनाव लड़ रही है। मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगामी 5 तारीख को जब मतदान होगा तो आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो भाजपा का कमल निशान है वो सर्वाधिक मतों से जीत प्राप्त करेगा और पुनः एक बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और पूज्य योगी जी के नेतृत्व में उस मऊ जनपद के और घोसी विधानसभा का जो समुचित विकास होना चाहिए वो फिर से प्रारंभ होगा, किन्हीं कारणों से रुका रहा था। अभी 2 दिन पूर्व हमारे उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री, हमारी स्वयं उनसे वार्ता हुई और व्यक्तिगत तौर पे अभी 1 दिन पहले हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय सूर्य प्रताप शाही जी आए थे, इसका अवलोकन करके गए। मुझको लगता है कि हमारी सरकार इस बाढ़ को देख करके बहुत गंभीरता से ली है और आप सब जानते हैं कि पूज्य इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी कहीं भी उत्तर प्रदेश में कहीं भी बाढ़ हो, कहीं कोई भी कठिनाई होती है तो स्वतः हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संज्ञान लेते हैं। मुझको लगता है इसका समुचित निदान तत्काल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व बनी सरकार उत्तर प्रदेश की इसको करेगी। कल ही माननीय मंत्री जी का दौरा था और उन्होंने चौपाल के दौरान बताया कि हर बूथ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इंजेक्शन और सांप काटने की सुविधा है, मगर उन्हीं के जस्ट चौपाल खत्म करने के 1 घंटे बाद ही बच्चे को सांप काटा और वहाँ पे दवा ना। आप सब जानते हैं कि अभी कहा गया था और मुझको लगता है कि जब तक आदेश हो और वहाँ से अधिकारी कर्मचारी आए तो अनहोनी घटना कभी भी घटना घट सकती है, अचानक तो कोई घटना कभी भी घट सकती है, उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन समुचित निदान के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। अब आप देखिएगा कि जब भी ये दवारा क्षेत्र में बाढ़ की विभीषिका हमेशा रही है और मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार रही है तो इस बाढ़ के निदान के लिए, चाहे हमारे पशुओं की बात रही हो, चाहे हमारे बाढ़ के क्षेत्र में फंसे हुए नागरिकों की बात रही है, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और हमारे नेता और हमारी सरकार हमेशा संकल्पित रहती है। और अभी आपको एक बात और बताऊं कि सारे लोग अभी हमारे सगड़ी विधानसभा के नहीं, जिले के भी नेता उस बाढ़ पे सबकी चर्चा हुई है, आगे उनके समस्याओं के निदान के लिए सब लोग आगे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।